तो दोस्तों ये क्या है पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज छत के ऊपर सोया था, ये भी सोया था साथ में, ये भी सोया था, तो यार हम दोनों सोए थे। अभी भी जस्ट उठे, इधर देख रहे थे सुबह हो रहा है। तो यार आज के ब्लॉग में देखते रहे ना क्या क्या हो रहा है। हमें दो दिनों का ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ रहा था दोस्तों आधार कार्ड के लिए। तो क्या करें दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आधार कार्ड बन गया, मतलब सब कुछ हो गया, बस मतलब बनेगा। 10 दिन का टाइम तो दिए हैं, 10 दिन के बाद बन जाएगा, तो अच्छी बात है बन जाएगा। तो उसके बाद इसका पासबुक भी खुलेंगे। पासबुक भी नहीं है इसका, स्टेट बैंक का खुलेंगे नहीं है। अरे वो ये बोल रहा है कि मतलब उसका एक पासबुक है पर वो जो है ना उसके गांव का है, तो यहाँ पे कहाँ चलेगा वो, चलेगा पर मतलब यहाँ का भी कुछ अलग हो जाता तो अच्छी बात है ना। तो अपना अपना होता है जो भी हो। ये कैसे फुलाई हुए देखो। तो यार इस सबको अभी रख देते हैं, उसके बाद जो होगा दिखाएंगे दोस्तों, देखते रहे ना। चल चल बुद्रू। तो दोस्तों अभी मैं हाथी बुद्ध टेक्नोलॉजी छोड़ रहा हूँ और खाना पीना सब कुछ हो गया है, तो अभी जो होगा देखेंगे दोस्तों, बस देखते रहना आप लोगों को। ये देख सकते हैं दोस्तों, हाई है बुद्रू और उधर लाइन पे जा रहे हैं तीनों की तीनों। तो दोस्तों मैं जो इधर आ गया हूँ, ये जो है जगह है ना, इसको आम बुराई बोलते हैं हमारे, ठीक है, तो बुराई बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है चलिए, आम का बहुत ज़्यादा पेड़ है इसलिए आम बुराई बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा पेड़ है इधर। और मेरी मम्मी बोली है कि यहाँ से तालबड्डा लेके आ जाना, वहाँ से बोले हैं, ठीक है, तो इसीलिए मुझे तालबड्डा ढूंढना है। तालबड्डा मतलब वो ताल का पेड़ के ऊपर से गिरा होता है ना, उसका वो डाल वगैरह, ठीक है, तो उसको लेना है, तो ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है इधर देख सकते हैं पेड़ वगैरह, जो ये फलसा फूल बोलते हैं हमारे इधर, ठीक है, फलसा फूल मतलब फलसा का पेड़ है और इसमें फूल फूटा हुआ है, ठीक है। तो फूल जो है बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों, इधर देखते हैं लाल कलर का, बहुत ही अच्छा है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को पास से जाके। और यहाँ पे एक तालबड्डा मिल गया दोस्तों, इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको लूँगा मैं। ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर दिखता है, इसका फूल जो खत्म हो गया है, इसका वो फल जो है ना वो स्टार्ट हो गया फलना, देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ना, तो फल है उसका। तो मुझे बस चार ही मिला दोस्तों, इसको लेके चलते हैं घर। दोस्तों क्या है ना, आज जो बिजली हमारे घर में बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, कब आएगा पता नहीं। तो अभी जो है 11 बजने वाला है और अभी तक बिजली आया नहीं, सुबह से चला गया है, तो फोन कैसे चार्ज करूंगा पता नहीं। और अभी सोच रहा है कि डैम के साइड नहाने के लिए जाएंगे बाइक में, मैं और मेरी वाइफ दोनों जाएंगे नहाने के लिए। तो वैसे तो हम दोनों जाएंगे तो कुछ मतलब मस्ती तो कर नहीं पाएंगे ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, दोस्तों के साथ जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों डैम पहुँच चुका है और डैम का सीन दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखो डैम दोस्तों, पानी धीरे 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 करके सूख रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। दोस्तों के साथ आने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों, बहुत ही जम करके नहाते हैं। तो अभी जम करेंगे तो ये गालियाँ देगी दोस्तों, इसलिए नहीं जम करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही नहाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे बकरी चरा रहे हैं लोग। ये देखो कितने सारे बकरियाँ, इधर भी देख सकते हैं, और ये हमारा कुंदा वो बैठ के चरा रही है। ये जितना बकरी है ना सब कुंदा बाबू का है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है दोस्तों, देख सकते हो ऊपर बादल कितने सारा है, ऊपर से बारिश हो रहा है, इसीलिए बेचारा जो है छतरी लेके बैठा हुआ है। तो अभी हम नहाते हैं यार, जल्दी से लेट हो रहा है। तो यार मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों नहाने के लिए। तो दोस्तों ये क्या है पता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल। और दोस्तों घर आ गए हैं, और घर आके देखो खाना, देखो आज इतना ज़्यादा चावल और ये है टमाटर, देख सकते हैं, बस बस इतना ही आज। तो दोस्तों क्या है ना, अभी आराम से सोया हूँ, वो भी कहाँ पे पता है, ये देख सकते हैं, ये आम का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, ये हमारा घर है। तो मैं इधर सोया हूँ क्योंकि इधर थोड़ा हवा आराम से चल रहा है, मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। और घर में जो फैन वगैरह चालू है, पर क्या है ना सब के सब लेटे हुए उधर फैन के पास ही, मतलब जगह ही नहीं है लेटने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ आके आराम से सोया हुआ हूँ।
और दोस्तों इसको देख सकते हैं, ये जो है आज सब्जी में ना, मतलब ये अंडा बनेगा, ठीक है। तो इतना का करोगे क्या, इतना का बनाओगी क्या? और ये कितना, 6 5 5 10 14। तो दोस्तों हमारे घर में अभी अभी के टाइम में मेरी दीदी और मेरी जीजू भी आए हैं, तो 7 जने टोटल। तो ये बोल रहा है कि 7 अंडा को सब्जी बनाएंगे, लेकिन ये तो ये तीनों मेरा है और बाकी इन लोगों का है। ये लोग खाएंगे और मैं 3 अंडा खाऊंगा बस अकेला। दोस्तों क्या ना, हाथी उधर टंगनो आ गए हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है फिर भी आ गए हैं वो लोग, और आ गए ना चुरा चुरा के खा रहे हैं, मतलब किसी और के खेतों का जो है वो मूंग वगैरह ना वो सब खा रहे हैं, तो उधर खेत रहे हैं वहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ उन लोगों के लेने के लिए। अगर इसमें बस बुतरू ही था दोस्तों, तो बुतरू को बड़ी मुश्किल से दौड़ा दौड़ा के ले रहा हूँ, और बाकी को फिर से ढूंढना पड़ेगा यार, फिर से जाना पड़ेगा गाँव के अंदर, उस साइड होंगे वो लोग। तो पहले इसको बांध देता हूँ, उसके बाद ढूंढूंगा। तो दोस्तों क्या ना, हाथी पुत्र टेंगनू को बहुत ढूंढा दोस्तों, तो अब देखे मिले, मतलब बुद्रुक तो पहले से आ गया और टेंगनू बहुत ही लास्ट में आया, मतलब उसको फिर से ढूंढने के लिए जाना पड़ा और हाथी को भी ढूंढने के लिए जाना पड़ा। तो ये देखो दोस्तों अभी से खाना खा रहा है, एक्चुअली एक जगह जाने वाले हैं अभी, तो बताएंगे नहीं यार। और अभी देखो शाम होने वाला है, तो अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा था, अच्छा था तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो दोस्तों। तो मिलते हैं कल, बाय दोस्तों।